विपक्षी नेताओं द्वारा फोन हैकिंग के दावे को लेकर देश में सियासत जारी है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने फोन हैकिंग के दावे को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। हालांकि बीजेपी ने विपक्ष के इन आरोपों पर पलटवार किया है। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और आप नेता राघव चड्डा ने फोन हैकिंग को लेकर दावा किया था। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रो ने सबसे पहले एप्पल की ओर से मिले अलर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। महुआ ने कहा, एप्पल से मुझे अलर्ट और ईमेल मिला कि सरकार मेरे फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने विपक्षी नेताओं के फोन पर आए अलर्ट को लेकर जॉर्ज सोरेस से कनेक्शन निकाला। उन्होंने टेस्ला के सीईओ एलन मास्क का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। अमित मालवीय ने लिखा, एलन मास्क बताते हैं कि जॉर्ज सोरेस कितने बुरे हैं। संयोग से राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्ष यानी इंडिया उनका करीबी सहयोगी है। वहीं विपक्षी नेताओं के फोन हैकिंग के दावे पर केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एप्पल ने 150 देशों में इसी तरह की एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार इस मामले की तह तक जाएगी। कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है, कोई भी मुद्दा हो जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो कि कैसे अपने परिवार का पेट भरे, कैसे अपने परिवार का पोषण करे। देश की चिंता इन्हें बिल्कुल नहीं थी। अभी कुछ ऑनरेबल एमपीज और कुछ कई अन्य सिटीजन्स ने जो मुद्दा उठाया है कि उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएंगे। मैं साथियों आपके सामने एक और विषय रखना चाहूंगा। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है, कोई भी मुद्दा हो जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। ये लोग देश की उन्नति को, देश की प्रगति को देख नहीं सकते, पचा नहीं सकते, क्योंकि इनके परिवार ने जब देश पे राज किया तब उन्होंने केवल और केवल एक ही लक्ष्य के साथ काम किया कि कैसे अपने परिवार का पेट भरे, कैसे अपने परिवार का पोषण करे। देश की चिंता इन्हें बिल्कुल नहीं थी।